वेलकम टू सांता'स किचन स्टोरीज। आज मैं आई हूँ यहाँ पर पोखरा का एक प्रसिद्ध मंदिर बृंदवासिनी दुर्गा माता का मंदिर, और चलिए देखते हैं कैसा है ये मंदिर। एंड दिस इज द फेमस सेवा लेक ऑफ पोखरा। दीज आर दी बोट्स। हेलो गाइस, ये है पेवा लेक, और इस लेक को क्रॉस करते हुए हम जाएंगे एक मंदिर, ताल बराही मंदिर। ये है इस लेक के बीचों बीच। एंड वी आर रेडी टू गो टू द बोट राइड। अब हम हैं लेक के बीचों बीच, पेवा लेक, द फेमस लेक ऑफ पोखरा। से हाय। हाय। देखिए तेलपिया फिश कितने सारे हैं यहाँ पर। देखिए तेलपिया ऊपर ऊपर ही आ रहे हैं एकदम। ये है पोखरा का केदारेश्वर टेंपल। यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। संजीवनी फाटे को बहुत सारे सिबलिंग है यहाँ पर। दादा ये सिबलिंग को उसका
यहाँ पर केदारेश्वर मंदिर के फ्रंट में ही एक फील्ड में ऐसे बहुत सारे ऐसे शिलालेख मिलेंगे से बनाए हुए हैं अलग अलग जगहों में। ओखरा टाउन के चक्कर लगाते हुए हम और ये है नेपाली ट्रेडिशनल बाजा जिसे शादियों में और स्पेशल ओकेजन्स में बजाया जाता है। और क्योंकि हम नेपाल आए थे नेपाली न्यू ईयर के टाइम पे अप्रैल में जो पड़ता है बैसाख महीने में, तो ऐसे हमें बहुत सारी रैलियाँ देखने को मिली। लेडीज़ भी थे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस करके, फिर रैली निकाल के फिर वो लोग जा रहे थे। तो ये रहा छोटा सा ओखरा टूर। These are the music ball. यहाँ से आवाज निकलता है। तिब्बतन चीजों का गैलरी है यहाँ पर। These are all Tibetan items. Beautiful pieces. Kukuri. हेलो एवरीवन, मैं पूरा थक चुकी हूँ दिन भर पोखरा टूर करते हुए। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक शिव जी का बड़ा स्टैचू है, पुम्दी कोट बोलते हैं उसे, पुम्दी कोट जगह का नाम है, वहाँ जा रहे हैं। बहुत ही ऊपर है, मेरा हालत पूरा ख़राब हो चुका है, हम ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। यहाँ ऊपर ही है शिव जी का बड़ा स्टैचू। एंड दिस इज द प्लेस। यहाँ पर 108 शिवलिंग बने हुए हैं मंदिर के आसपास ऐसे लाइन से, और ऊपर भी है लेकिन ऊपर जाना मना है। तो ऐसे हम एक चक्कर लगाते हैं शिव जी की। बहुत ही खूबसूरत जगह है पोखरा, बहुत जगह है घूमने के लिए, बहुत ही सुंदर जगह है। ये बड़ा सा डमरू देखिए। अभी हम आए हुए हैं गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर जो कि पोखरा टाउन के बीचों बीच है।
और ये है गुप्तेश्वर शिव जी का गुफा, गुप्तेश्वर मंदिर गुफा, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है दोस्तों, ये देखिए। और नीचे हर तरफ फोटोग्राफी और कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को दिखा पाऊँ। गुफा में अंदर तक जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्लिपरी था, और ये रहा वो गुफा, बहुत ही खूबसूरत। डेविस फॉल है, अभी जो हम लोग गए थे गुफा में, जो पानी वहाँ पर गिर रहा था, ये वही पानी है, यहाँ से वो पानी बह के नीचे गिरता है गुफा के अंदर। हजुर, हेलो एवरीवन, अभी हम आए हैं एक दूसरे टेंपल में जिसका नाम है ढोर बराही। यहाँ पर कुछ अजीब सा होता है, मुझे भी नहीं पता इतना, मैं जाकर देखूंगी फिर आप सभी को दिखाऊंगी, तब तक मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच यहाँ पर मंदिर है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। ये है वो ढोर बराही मंदिर, जहाँ पर ऐसे पानी में देखिए आप देख सकते हैं मछलियाँ ऐसे तैर रही हैं, लेकिन पानी बहुत कम है, लेकिन देखते ही देखते ये पानी का लेवल बढ़ जाता है और बहुत सारा पानी आ जाता है, और आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये पानी कहाँ से आता है और अचानक से कहाँ चला जाता है। बहुत रहस्यमय ऐसा, मतलब मुझे लग रहा है जगह वैसे ही है, और मुझे वैसा फील भी हो रहा है कुछ तो यहाँ पर है, कि थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था इस मंदिर में, कुछ ऐसा है। आप पोखरा आते हैं तो ज़रूर आइए देखने के लिए, और मुझे मौका मिला ये मंदिर देखने के लिए, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगी कि कैसे पानी बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, और मुझे क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि कैसे पानी बढ़ चुका है पहले से, लेकिन शायद ये कैमरे में ना दिखे, लेकिन सच बता रही हूँ दोस्तों, अजीब लग रहा है मुझे। मैं आई थी तो मैं पानी बहुत कम था, नीचे तक था, अभी उस होल के सामने उस टाइम पे पानी नहीं था, अभी आप देख सकते हैं पानी भर चुका है, और जितना पानी भरता है मछलियाँ उतनी खुश होके खेलती हैं पानी में, और कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिश है जो कि आमतौर पर निकलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जगह में बीचों बीच पत्थर में बलि दी जाती है
चढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पे वो उस बलि को खाने के लिए या बलि का जो खून निकलता है उसको खाने के लिए वो यहाँ पर दिखाई देता है और बहुत कम लोगों को वो दिखता है। सभी जगहों की अलग अलग मान्यताएं हैं, मानो तो है नहीं मानो तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे कुछ अजीब यहाँ पर फील हो रहा था। तो ये रहा मेरा पोखरा का पूरा ब्लॉग, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है काठमांडू, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Please do like, subscribe and share Santa's Kitchen Stories.